बार इसको जैसे ईंट खराब हो गई थी, इसलिए दोबारा से इसको गारे के गड्ढे में डाला जाएगा, क्योंकि दोबारा यूज कर लेंगे इसको, माटी खराब नहीं होगी। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो भाई बहुत बड़ा नुकसान जाएगा, इसलिए इसको ट्रॉली में भर कर गारे के गड्ढे में डालने जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे, पूरी वीडियो देखना एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बरसात होते तब ईंट बहुत ख़राब हो जाती हैं, बरसात की वजह से ईंट बहुत ख़राब हुई थी, कुछ तो हमने भर दिए। हम आपको दिखाएंगे टीला पर बहुत ईंटें पड़ी हैं, इसको हम गड्ढे में डालेंगे। अब होली की वजह से तीन दिन तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई त्यौहार की वजह से तो सब काम बंद हो जाते हैं। हम इसलिए जो पसार रहता है इनकी सफाई करेंगे आज। आप सभी को होली मुबारक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखो यार, भाई आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, शेयर कर रखो यार वीडियो को भाई। हम आपको भट्टी की पूरी अपडेट लाते रहते हैं यार वीडियो में। जो ये ईंट रहते हैं ऐसे सफाई ख़त्म हो जाती है, देखिए कितनी बुरी खजली खजली हो गई हैं। ज़्यादातर हमने पसार साफ कर दिए हैं, थोड़े घने बचे हैं उनको कर देंगे। अब अभी इनको गड्ढे में डालने जाएंगे। अब ये गारे गड्ढे में ले जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे और कैसे खिलाएंगे। ये गारे का गड्ढा है, ये पूरा गारा बन जाएगा, ईंटें भी ख़राब नहीं होंगी। ईंटें तो ख़राब हो गई हैं लेकिन सॉरी, लेकिन दोबारा से काम ले लेंगे, बस इसको मालिक के नुकसान नहीं होगा, अपना तो क्या जाता है। बहुत पानी भरना पड़ता है इसमें जब गारा बनता है। ये ईंट खराब हो गई थी इसलिए वापस से गारे के गड्ढे में डाला जा रहा है, दोबारा से गारा बन जाए, इनका नुकसान नहीं होगा, इसलिए हो गई खाली भाई।